अटर्नी जनरल को, और अगर वो करता है तो मेरे पे तो मेहरबानी अटर्नी जनरल करेगा, सुप्रीम कोर्ट का मेरे पे कोई सवाल नहीं। अच्छा, आप उसको ऑर्डर करें कि भाई इनको जो है मुलाकात करवाएं, इनको बताएं कि बच्चा किधर है। ठीक है, तो अभी जो है कोई टाइम दिया है उन्होंने, क्योंकि आप तो बेंच अब बच्ची हो सकता है मेरे बच्चे ने वो कत्ल कर दिया, मुझे बता दें, हो सकता है कुछ जेन्युइन रीजन हो, मुझे बता दें। नहीं मैं मैं तो ये कह रहा हूँ मुझे ऑन बोर्ड करें। जो ट्रायल हुए आपके बेटे के उसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या आपको ट्रायल, मेरे बेटे ने खुद अपने ट्रायल वो किया है, वकील भी थे, वकील ने मुझे ये रिपोर्ट दिया है, वहाँ के कोई डॉक्यूमेंट तो आती नहीं है। उन्होंने कहा जी एक घंटा वो बोला है और कोई चीज़ उसका, तीन गवाह पेश किए हैं, कोई मेजर भी थे सर, सब ने कहा ये बंदा नहीं था वहाँ पर, या कुछ तीनों ने कहा। मेरा बेटा बल्कि जब मिला है मुझे ये जो ईद के अगले दिन, तो मुझे कहते हैं कि अब्बा आप देख लेंगे कि जब तो अगला केस लगेगा ना, तो जो सुना 20-25 वो लड़के में थोड़े होप के साथ थे कि 20-25 लड़के और छोड़ेंगे ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा मेरा नाम होगा, क्योंकि मैं नहीं था, वो तो पौने 6-6 बजे पहुँचूंगा, सारा पता है उस केस के वीडियोज में भी कोई एविडेंस नहीं था उनके, कुछ भी नहीं था। एक जो एक प्रखंड था कि किसी ने जब वो तकरीर कर रहा था, और तकरीर बड़ी ऐसी थी, वो तकरीर नहीं दिखाई थी, वो तकरीर में वो लोगों कह रहा था कि आप प्रॉब्लम दें, और वो आया जो 5:45 बजे, तो तब तो सब कुछ हो चुका था। तो किसी ने पीछे पेंट लड़ाई, तो उसने किसी का पेंट लड़ाई, पता नहीं लड़ाने वाले भी पता नहीं हम मेरे जैसे ना हो, तो उन्हें मुड़ के कहा कि उसने कहा कि ये पेंट की सारा काट के उसने एक मार्क्स दी, वो भी नहीं देना चाहिए था उसको, लेकिन वो उन्होंने वहाँ पे नहीं पेश की। मैंने पूछा स्पेसिफिक कैटेगरी पे पूछा, मैंने कहा वो यार एक तुम्हारा क्लिप इन्होंने चलाया बड़ा वायरल किया बड़ी मेहनत से, मुझे आपकी बड़ी मेहरबानी।